हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को के नॉट क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन विंडोज 11 और 10। अगर आप अपने विंडोज 11 और 10 में न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते के नॉट क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, तो कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो सबसे पहले आपको बड़े इजी स्टेप्स में हम फिक्स करेंगे। तो सर्च कर लें आप रजिस्ट्री एडिटर और इसे ओपन कर लें। अगर ये परमिशन मांगे तो यस पे क्लिक करें और फिर आपको इधर फाइल पे क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट, फिर आप सेव करें अपने एक्सपोर्ट फाइल या डेस्कटॉप में हमने की और फाइल नेम दे दे, फिर सेव पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट रेंज आप ऑल पे सिलेक्ट कर लें, फिर सेव कर लें। फिर अगर आपको बैकअप लेना हो तो आप इजीली इंपोर्ट करके इधर से बैकअप ले सकते हैं। मैंने इधर रखा तो मैं सिंपली ये फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा। तो ऐसे आप इजीली बैकअप कर सकते हैं। और फिर आपको एच की क्लासेस रूट को एक्सपेंड करना है, फिर इधर आपको फोल्डर फाइंड करना है। अगर आप इधर फोल्डर फाइंड ना कर सके, आपको अगर इधर मिल नहीं रहा है फोल्डर, तो आप इधर सर्च कर सकते हैं। इधर सिंपली ये स्लैश मारे, अगर स्लैश नहीं है इधर तो स्लैश मारे, फिर फोल्डर टाइप करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा, ये एफ की लिस्ट है, इधर फोल्डर होगा, ये रहा। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, फिर डिफॉल्ट के ऊपर, ये राइट साइड में डिफॉल्ट होगा, उसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करें डिफॉल्ट के ऊपर, फिर वैलिड डेटा। तो अगर ये फोल्डर पे नहीं है तो आप इसे कोई ये कोई और नेम पे ये सेट है, तो आप इसे फोल्डर टाइप करके ओके पे क्लिक करें और इधर डेटा फोल्डर सिलेक्ट होना चाहिए। आप इधर देख सकते हैं डेटा फोल्डर, अगर इधर कुछ और होगा तो आप फोल्डर न्यू फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए इधर फोल्डर टाइप करें ताकि आप जब भी क्रिएट करेंगे तो न्यू फोल्डर आसानी से क्रिएट हो जाएगा। आप इधर कुछ और टाइप करेंगे तो फिर वो फोल्डर आपको क्रिएट नहीं करने देगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करने नहीं देगा। तो आप इधर फोल्डर टाइप करें फिर ओके पे क्लिक करें। मेरा भी फोल्डर इधर सेट है तो मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ फोल्डर्स। तो अगर आपके इधर फोल्डर पे सेट नहीं है तो आप फोल्डर पे सेट करके क्लोज करें, फिर रिस्टार्ट करें अपने पीसी या लैपटॉप को। रिस्टार्ट करने के बाद आप सीएमडी टाइप करें, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके ये कमांड टाइप करें, फिर ये कमांड को रन करें, फिर उस कमांड को रन करने के बाद आप क्लोज करके वापिस से रिस्टार्ट करें अपने पीसी या लैपटॉप को। फिर रिस्टार्ट करने के बाद इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर आपको यही फोल्डर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।